इकबाल कहता है मरियम अज़्ज़त निस्बत ईसा अज़ीज़, मरियम अज़्ज़त निस्बत ईसा अज़ीज़। मरियम को एक निस्बत हासिल हुई कि वह हजरत ईसा की मां है, बहुत मुअज़्ज़ज़ा हो गई और इज्जत का ऊंचा मकाम पाया। मरियम अज़्ज़त निस्बत ईसा अज़ीज़, बस से निस्बत फातिमा ज़हरा अज़ीज़। मरियम के पास एक निस्बत है और फातिमा के पास तीन निस्बतें हैं। मरियम ईसा की मां है, फातिमा हसनैन की मां है। मरियम का शौहर कोई नहीं, फातिमा का शौहर हैदर करार है। बेटे हसनैन है, शौहर अलीउल मुर्तजा है और मोहम्मद अरबी की नूर नजर है। बस से निस्बत फातिमा जहरा अज़ीज़। लेकिन कुरान करीम में सूरह फातिमा जहरा नहीं है, सूरह मरियम है। ये बेहया है, नमक हराम है, खिंजीर खाने वाले, कलब की पैदावार। अगर इनके अंदर इंसानियत के नाम से कोई छोटी सी रमक होती तो कुरान करीम के कार्टून और साहिब कुरान की एहानत का सोच भी न सकते। ये पहले कुरान का एहतराम करते फिर बाइबल को आंखों से लगाते। लेकिन ये बेहया है, ये नमक हराम लोग हैं। सैयदना ईसा की विलादत मीलाद बयान किया कुरान करीम ने, इसलिए कि वो मतनाजर और उनकी बदजुबानी का जवाब दिया कि सैयदना आदम को अल्लाह ने बगैर मां बाप के दुनिया में भेजा, तखलीक फरमाया। सैयदा हव्वा बगैर मां के दुनिया में आई। अब एक पहलू बाकी था कि कोई बगैर बाप के भी आए, सो वो हजरत ईसा की तखलीक से अल्लाह ताला ने सामने रख दिया कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम सब जाब्तों के पाबंद हो, तुम सब जाब्तों के पाबंद हो, चाहे तुम नबी हो, चाहे तुम रसूल हो, चाहे तुम औलिया अल्लाह हो, तुम सब जाब्तों के पाबंद हो। लेकिन मैं जाब्तों का खालिक हूं, जाब्ते मेरे पाबंद हैं, जो चाहूं कर सकता हूं।